एक्सरसाइज 8.2 के 7 क्वेश्चंस तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? ओनली 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग ये वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने के पहले हम क्या देखेंगे? CDF। ये CDF होता क्या है, CDF फाइंड कैसे किया जाता है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका एक से आप लोग देख सकते हो, ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी हर एक वैल्यू का अलग अलग प्रोबेबिलिटी दिया गया। ऐसे ही दिया रहता था ना एक्सरसाइज 8.1 में, राइट। इसी तरीके से तो हम टेबल बनाते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या होता था? रैंडम वेरिएबल। ये क्या होता था? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि CDF क्या होता है। तो देखो, CDF को हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स ए। यहाँ पे कैपिटल एफ आता है, याद रखिएगा क्या आता है, कैपिटल एफ, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। अभी इसका मतलब क्या हुआ देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, यानी कि ये, समझा, स्मॉल एक्स मतलब ये, ओके। तो अब समझिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आप है ना ये एफ ऑफ जीरो निकालिए। तो एफ ऑफ जीरो निकालिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, एफ ऑफ जीरो, देखो जैसे यहाँ पे जीरो ना, एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो आप अभी आपको एफ ऑफ जीरो बताना है, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो मतलब क्या, इससे इसको कंपेयर करो, क्या लिखा है मैंने ऊपर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट, यही लिखा है ना। तो अब इससे इसको कंपेयर करो, तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, जीरो, ओके। अब इसका मतलब तो आप जानते हो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में क्या होगा बताइए, डिस्क्रीट वाले में, मतलब 8.1 वाले में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आप लिख दोगे, क्या है, 1/16, मतलब इसका आंसर आप क्या बोलोगे, 1/16, यस एकदम राइट है, 1/16, ये लीजिए जी, हमने लिख दिया। अब अगर वही कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस, मतलब उसकी बात करेंगे, तो इसका मीनिंग आप क्या बताओगे, इंटीग्रेशन बताओगे, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना रहता है ना कंटिन्यूअस में, हमने देखा था, ऐसे थोड़ा ना हमको लिखना रहता है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, ये अपर लिमिट होगा कि लोअर लिमिट होगा? तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन या फिर इक्वल है किसके, जीरो के, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये जो आपका जीरो, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। यहां से देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या, यहाँ पे एक्स, यानी अपर लिमिट क्या होगा इसका, एक्स होगा, और लोअर लिमिट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो हम लोग लिख लेंगे, समझे। और फिर फंक्शन को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब उसके बाद समझिए, आपसे आपको एफ ऑफ वन बताना है। अभी एफ ऑफ वन का मतलब क्या है, इससे इसको कंपेयर करो, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू जीरो था, तो हमने पी क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके पीछे और कोई वैल्यू तो है नहीं, है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ये लिख दिया। अभी ये दिया है तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी जब वन हो या फिर वन से छोटा, तो वन से छोटा मतलब जीरो यहाँ पे आ सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, वन के इक्वल भी बोला गया ना, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/16 है, प्लस एक्स इज इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वन प्लस यहाँ पे हमको क्या लाना है, 16 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 इज 16, राइट, मतलब यहाँ पे 5/16 क्या आ गया, 5/16, ये क्या हो गया, एफ ऑफ वन। अब कंटिन्यूअस के केस में क्या होगा बताइए, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है वो क्या होता है बताइए, वो ना अपर लिमिट होता है, तो यहाँ पे ये जो वन है ना, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, ओके, इंटीग्रेशन में ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, ठीक है। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे, जैसे यहाँ पे देखो, लोअर लिमिट जीरो दिया है, तो हम लोग लोअर लिमिट जीरो लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, डिस्क्रीट का भी बता रही हूँ और कंटिन्यूअस का भी बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो इस तरीके से होगा ना, अपर लिमिट इसका वन होगा, लोअर लिमिट इसका जीरो होगा, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको कर देंगे इंटीग्रेट, ओके, क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। तो
यही मैं आप लोग को बताना चाहती थी। अब समझिए आपको एफ ऑफ टू बताना है। तो एफ ऑफ टू का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो एफ ऑफ टू इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो अगर आप ऐसे लिखते हो ना तब आपको समझ में आता है कि आपको एक्चुअली में क्या लिखना है, ठीक है। तो कंपेयर करो x इज लेस देन और इक्वल टू टू। लेस देन और इक्वल टू टू का मतलब क्या, टू के मतलब टू भी इसमें आएगा और टू के पीछे जितने भी वैल्यूज है वो सभी उसमें प्लस होते जाएंगे, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि टू से छोटे और टू के इक्वल, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो भी आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, ये भी आ जाएगा, राइट। समझे, अब सुनिएगा ध्यान से। मैं ना इसको एक और तरीके से लिख सकती थी, कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इतने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं, कहाँ पे गया ये देखो, इतने का मीनिंग क्या होगा, f ऑफ वन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती थी, f ऑफ वन प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू टू, इस तरीके से लिख सकती थी क्योंकि मुझे वही आंसर मिलने वाला है। आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ये करते थे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, इसमें हम क्या करते थे बताइए, आपको x की वैल्यूज दी रहती थी, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहता था, उसके बाद हम CF निकालते थे। तो CF मतलब क्या, यहाँ पे जो वैल्यू रहता था उसको लिखते थे, फिर यहाँ पे क्या आता था इसको, जैसे समझिए यहाँ पे जीरो है तो जीरो, फिर जीरो प्लस वन करके यहाँ पे वन, यहाँ पे टू है तो वन प्लस टू करके थ्री आता था, मतलब एक एक हम प्लस करते जाते थे। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है ना, क्या करना है आपको, एक एक प्लस करते जाना है। देखो जैसे यहाँ पे 5/16 है, अब इसमें हम इसको प्लस करेंगे, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे थोड़े ना, गलत थोड़े ना होगा, सही है ना, देखो सही है। लेकिन आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, क्या करना है, एक एक करके प्लस करते जाना है। जैसे अभी 1/16 आया था तो इसमें हमने इसको जोड़ा, ठीक है, 5/16 आया, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगा उसमें हम इसको प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे जो मिलेगा उसमें हम इसको प्लस करेंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग CDF निकाल सकते हैं, ओके, ऐसे भी करोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, चलो एक बार देख लेते हैं, एफ ऑफ वन कितना आया था, 5/16 प्लस इसकी प्रॉबिलिटी कितनी है, तो 3/8 है, राइट। अब आपको ना यहाँ पे 16 चाहिए होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा, 5+6 और यहाँ पे 16, तो कितना आ जाएगा, 11/16, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11/16, समझे। अब क्या करोगे बताओ, अब आपको f ऑफ 3 बताना है, सुनो एकदम ध्यान से सुनो, अब आपको बताना है f ऑफ 3, इधर देखिए। तो f ऑफ 3 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 3 के पीछे जितने भी वैल्यूज है वो भी आएंगे और उसमें 3 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 और फिर लास्ट में एक और आएगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब सुनिए, अब ये तीनों ना लिख करके हम ये भी तो लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, f ऑफ 2 लिख सकते थे, क्योंकि f ऑफ 2 का मतलब यही था। यहाँ पे आप लोग देखो, देखो f ऑफ 2 का मतलब यही था ना, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, है ना। तो f ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते थे, कर सकते थे कि नहीं, बात तो वही हुई ना। तो f ऑफ 2 कितना आया था, कितना आया था, 11/16, तो 11/16 में क्या कर देंगे बताइए, इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/4, ठीक है। अब मुझे नीचे चाहिए 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11+4 = 4 और यहाँ पे 16, 11+4 कितना हो जाएगा, तो 15, यहाँ पे आ गया 15/16, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तभी तो हमको f ऑफ 4 मिलेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली लिखते हैं, f ऑफ 4 का मीनिंग क्या, f ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। एफ ऑफ 4 का मतलब क्या, देखो जैसे आपका ये नंबर लाइन है, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे 4, तो एफ ऑफ 4 मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे वैल्यूज का सम, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है सबका सम। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 0 से लेकर के यहाँ तक, अपर लिमिट क्या होगा, 3, यहाँ तक का सम। अगर 2 बोला तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम, इसके आगे नहीं, समझे। ये होता है,
ये CDF का मीनिंग। ओके तो अभी लास्ट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/16 यानी कि 1। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। जैसे हमने देखा था ना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उनका सम कितना आता है, 1। और यहाँ पे भी तो सेम वही चीज की जा रही है ना। तो ये होता है आपका CDF। क्लियर है आपको, समझाना? तो क्या चीज आपको याद रखना है, इसको याद रखो, बस ये इतना याद रखो, अलग से लिख करके बताती हूँ। देखो ये याद रखो, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स मतलब CDF, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है ये। और अगर आपको कंटिन्यूअस का केस है तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपर लिमिट एक्स होगा, फिर लोअर लिमिट जो रहेगा वो, और फंक्शन को क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको ये CDF क्लियर हो गया होगा, है ना? वैसे आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। अभी इतना समझ लिया ना, तो जरा टेक्स्ट बुक में भी पढ़ने की कोशिश करो। ओके तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको रफ करती हूँ। आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉलोइंग इज द PDF ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फॉर एक्स इज बिटवीन 0 to 4, 0 अदरवाइज। 0 अदरवाइज का मीनिंग क्या, मैंने पहले बताया, यानी इस रेंज के अगर बाहर गया तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो हमको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द CDF ऑफ एक्स। हमको यहाँ पे CDF बताना है, ठीक है? यानी आपको ना यहाँ पे देखो क्या क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये कैपिटल, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अभी अभी मैंने सिखाया था, आप निकाल सकते हो, है ना? और क्या बताना है, और कुछ? ओके इसमें हमको फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5। ओके मतलब एक्स के प्लेस पे हम 0.5 रखेंगे, फिर 1.7 और फिर 5 रख करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाला कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8, राइट? यही दिया है ना। इंटरवल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं 0 to 4, ठीक है? अब हमको क्या बताना है, एफ ऑफ एक्स बताना है। तो यहां पर मैं लिखूंगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कंटिन्यूअस वाला है, ओके? तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे क्या है, हमको एफ ऑफ एक्स बताना है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, चलो पूरा लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, किसको करेंगे, फंक्शन को करेंगे, राइट? जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, पर यहाँ पे लिमिट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी अपर लिमिट हो जाएगा एक्स, और लोअर लिमिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या दिया है, 0। आप ये मत देखो कि अपर लिमिट इसमें क्या दिया है, ठीक है, उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे जो रहेगा ना वही आपका क्या होगा, अपर लिमिट, और लोअर लिमिट तो आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, ठीक है? अब आपका फंक्शन क्या है, x अपॉन 8 है, तो मैं इसके प्लेस पे लिख देती हूँ x अपॉन 8, ठीक है, फंक्शन के प्लेस पे x अपॉन 8। अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, आपको मिल जाएगा f ऑफ x। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 8 क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको ले लिया बाहर, ब्रैकेट में आ जाएगा x, और x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको आंसर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट? लिमिट है 0 to x। अब उसके आगे क्या करना पड़ेगा, तो देखो एक काम करते हैं, 1/8 लिखा है यहाँ पे, और ये 2 को बाहर ले लिया, 1/2। अभी x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो देखो यहाँ पे x, x के प्लेस पे x रखेंगे तो वही बात होगी ना, कुछ चेंज तो होगा नहीं। x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। अब उसके बाद 1 into 1, 1, और 8 to 16 into यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी लास्ट में देखो हमको एफ ऑफ एक्स क्या मिला, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि CDF एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 1 into x² करेंगे तो x² upon 16, समझे कैसे किया हमने, राइट? क्लियर है ना आपको इतना? अब हमको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बताना है एट एक्स इज इक्वल टू 0.5, 1.7 and 5। ओके तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये तो आपका पहले का आंसर था, ठीक है, पहले का आंसर। अभी दूसरे का आंसर हम लोग निकालेंगे। तो अब हमको बताना क्या है, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे एक बार 0.5 पुट करेंगे, उसके बाद 1.7, उसके बाद 5 रखेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे f,
अच्छा एफ ऑफ एक्स मिला कितना है वो पहले आप लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये देखो यही आया ना, इसको मैंने लिख लिया ठीक है। अब हमको बताना है एफ ऑफ 0.5, तो एक्स के प्लेस पे लिखो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 16, इसका स्क्वायर कर दीजिए 0.25 अपॉन 16, फिर यहाँ से पॉइंट हटाना है तो 25 अपॉन 1600 कैंसिल कर दो, तो 5 5 5 5 3 2 0, फिर से कैंसिल करो 1 64, राइट। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 0.5 कितना मिला हमको 1 अपॉन 64, क्लियर है। फिर दूसरा हमको क्या बताना है, तो एफ ऑफ 1.7 यानी x के प्लेस पे 1.7 रखिए, इसका स्क्वायर अपॉन 16, अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो 289 आता है, यहाँ पे पॉइंट 2.89 अपॉन 16, बस यही इसका फाइनल आंसर है, इसके आगे मत जाइएगा नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, मतलब वो दूसरा ही फिर पॉइंट में आने लगेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है, तो बस इतना ही लिख करके छोड़ दीजिए ठीक है। अब उसके बाद हमको बताना है एफ ऑफ 5, तो क्या हम यहाँ पे 5 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो ये ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका रेंज क्या है 0 to 4, जैसे समझिए यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 4 ठीक है, तो अगर x ना ये रेंज में रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाहर गया यानी अगर इसके इधर आया तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अगर इधर गया तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ठीक है, समझ में आया, मतलब इसके और इसके बीच में रहा तब तो ठीक है, लेकिन इससे बाहर गया तो 0, इससे बाहर गया तो 0, देखो यहाँ पे बोला है ना x अपॉन 8 फॉर x इज बिटवीन 0 to 4, 0 अदरवाइज, या फिर अगर इसके बाहर गया, ये रेंज के बाहर गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्या होता है 0 होता है ठीक है फंक्शन का वैल्यू। तो अब आपको समझना क्या है, एफ ऑफ 5 हमको मिलेगा क्या, है ना, आपको आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि एफ ऑफ 5 तो फिर हमको मिलेगा तो मिलेगा क्या, तो देखो मैं आपको बताती हूँ एफ ऑफ 5 का हमको वैल्यू मिलेगा 1 ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया एफ ऑफ 5 मीन्स 1, कैसे 1, है ना, ये सवाल तो आपके मन में आ ही रहा होगा कैसे 1, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि ये रेंज के बाहर जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 कैसे आ गया। तो अच्छा एक बात बताइए, ये f का मतलब क्या, f मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ f of 4 का मतलब क्या होता है, देखो f of 4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वैल्यूज होंगे ठीक है, सबका सम, समझ में आया, मतलब इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे सभी का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा उसको हम प्लस कर देंगे तब जाके हमको f of 4 मिलेगा, राइट। अब f ऑफ 4 हमको मिलेगा कितना, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप प्लस करोगे ना तो 1 ही मिलेगा, आप चाहो तो करके देख सकते हो, देखो f ऑफ 4 निकालो तो इसके प्लेस पे रखो x के प्लेस पे 4, तो 4 4 16 अपॉन 16 यानी कि 1 ठीक है, तो f ऑफ 4 हमको क्या मिला, 1 मिला ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और इसके बाहर गया ठीक है f ऑफ 5 की बात की गई ना, इसके बाहर गया तो 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा बताइए, 1 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे f है, अगर p रहता तब कंडीशन कुछ और होती, मतलब सिचुएशन कुछ और होता है ना, यहाँ पे f यानी ये जो 5 है ना, मतलब ये जो आपका 5 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे जो प्रोबेबिलिटीज रहेंगे सबका सम, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो रहा है और फिर इसके आगे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी 0 ही होगा, राइट, तो 1 प्लस 0 करने पे 1 ही आता है ना, इसीलिए यहाँ पे f ऑफ 5 क्या होगा बताइए, 1 होगा ठीक है, और अगर इधर लिया तो इधर तो 0 ही आएगा ठीक है, समझे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 और इधर से गया तो 0, 1 प्लस 0 1, बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना था ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है, देखो ये हमारा आंसर ये और ये है ठीक है, तो चलिए आप इसको लिखिएगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका फंक्शन है, चलिए मैं फंक्शन को लिख लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² अपॉन 8 फॉर एक्स इज बिटवीन 0 to 2 ठीक है, और 0 अदरवाइज, ये आपका फंक्शन यहाँ पे दिया गया है राइट।
हमको फाइंड क्या क्या करना है, तो डिटरमाइन द सी डी एफ ऑफ एक्स, यानी हमको ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बताना है। तो अभी अभी आपने एफ ऑफ एक्स निकाला था है ना, फिर एंड हेंस फाइंड, तो हमको ये सारी वैल्यूज बतानी है। ओके तो पहले हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं और फिर उसके बाद हम ये सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, फंक्शन क्या है 3x² / 8, और यहाँ पर लिमिट क्या आएगा तो हम ये जानते हैं, अपर लिमिट तो x आ जाएगा, लोअर लिमिट इधर से ले लो। अपर लिमिट x कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यही होता है ना। मतलब ये जो आपका x है ये क्या हो जाएगा, 0 नहीं यहाँ पे x आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा, समझे ना। बताया था ना कितने बार, तो मैं बता चुकी हूँ, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे लिख देंगे dx। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले क्या करेंगे, 3/8 को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, लिमिट है 0 to x, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये 3 को भी बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 × 1/3। फिर यहाँ पे वैल्यू रखो तो x के प्लेस पे x पुट करेंगे तो x³ भी आएगा, फिर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0³ हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 3 और 8³ क्या हो जाएगा, 24, राइट, यही होगा ना। और हम इसको कैंसिल भी तो कर सकते थे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1/8 है ना, 1/8। फिर x³, यानी फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³/8। क्लियर है आपको, इतना समझ में आया ना कैसे किया हमने, ये तो जानते हो। अब उसके बाद हमको ये सारी वैल्यूज बतानी है, तो क्या हम इसे इंटीग्रेट करके निकालेंगे इन वैल्यूज को, नहीं, वैसे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द सी डी एफ ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड दीज वैल्यूज, यहाँ पे क्या बोला, एंड हेंस फाइंड मतलब इसका यूज करके हमें क्या करना है, तो ये सारी वैल्यूज हमको बतानी है, ठीक है। अगर ये नहीं दिया रहता तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करते जैसे पहले क्या करते थे, हमको आंसर मिल जाता है ना, वो और वो ज्यादा सिंपल भी था, राइट। लेकिन यहाँ पे इसका यूज करके हमको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी इजी है, आपको समझाती हूँ। देखो इसमें ना आप ये मत देखना कि यहाँ पे इक्वल का साइन हो, ठीक है, इसमें आप ये मत देखना, अगर बस ये भी रहा ना तो भी हम f(1) लिख सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन 1, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भी हम ऐसा लिख सकते हैं f(1). ओके अभी f(1) का मतलब क्या, आपको f(1) निकालना है, यानी देखो इस x के प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे तो हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, x³/8 मतलब 1³/8, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन 1 कितना आ गया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1/8, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे, ये 8 है, ठीक। अब दूसरा सेकेंड हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज क्या, यहाँ पे लेस देन -2, तो क्या हम x के प्लेस पर -2 पुट करेंगे, आप बोलेंगे हाँ, नहीं, कैसे, सुनिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ये रेंज में रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये रेंज के बाहर गया तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। देखो यहाँ पे लिखा ना 0, अदरवाइज ये रेंज में रहा तब तो ठीक है, लेकिन इसके बाहर गया तो 0, तो यहाँ पे क्या है, उस रेंज से बाहर ही है ना। देखो जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपका 0, ये आपका 2, यहाँ पे क्या है -2, यानी इसके पीछे ये रेंज के तो बाहर जा रहा है, यानी ये रेंज के बाहर गया तो इसका वैल्यू 0 आता है, इसके बाहर गया तो 0 आता है, समझे। तो फिर इसका वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0, ज़्यादा सोचो वोचो मत, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी, जब भी आप एग्जाम में ऐसे सम्स को सॉल्व करते हो तो ये जो लिमिट यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये जो इंटरवल दिया है, इसको आप ध्यान में रखा करो, ठीक है, नहीं तो गलती कर दोगे, आप ऐसे ही करते जाओगे फिर तो गलत हो जाएगा ना। अब थर्ड वन देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, लेस देन रहता था तब तो हम लिख देते थे, जैसे यहाँ पे लेस देन 1 था तो हमने f(1) लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर है, याद रखिएगा लेस देन ही रहना चाहिए, ग्रेटर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप करोगे क्या, मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमको एक्चुअली में किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी बतानी है, तो देखो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन, ये 0, ये 2, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला है, जीरो से ग्रेटर, यानी जीरो से ग्रेटर, ठीक है। देखो जीरो से ग्रेटर मतलब इसके आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा, इसके आगे तो जा नहीं सकता, ठीक है। मतलब हमको ना जीरो और टू के बीच में जो वैल्यूज आता है वो बताना है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमको बताना है कि कितना होगा, कितना होगा, आपको क्या लगता है। तो देखो ये आप निकालोगे कैसे, देखो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली वन लिख सकते थे, वन ही इसका आंसर आएगा, मैंने तो बोल दिया वन ही आएगा, मैं जानती हूँ कैसे। सुनो यहाँ से यहाँ तक अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है ये जो रेंज दिया है इसके बीच में रहेगा तब इसकी प्रोबेबिलिटी वन आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वन आएगी। देखा था ना हमने, जब आपको प्रोबेबिलिटी दी रहती थी और उन सभी को जब आप प्लस करते थे तो क्या आता था बताइए, समेशन कितना आता था, वन आता था, है ना। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना आता था, वन आता था। तो सेम चीज यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वन आएगा। तो डायरेक्टली मैंने वन लिख दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, हमको बताना तो पड़ेगा आया कैसे। तो सुनिए इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ टू, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जीरो। तो आप एक काम करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक वन होता है ना, तो वन माइनस एफ ऑफ जीरो करके लिख सकते हो, या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिखो। सुनो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो, यानी इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यूज मिल जाएंगी, क्लियर है, समझा। इसमें से इसको घटाया तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। अब एफ ऑफ टू का मतलब क्या, हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर टू पुट करेंगे, राइट। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, यानी टू का क्यूब अपॉन क्या है, एट, फिर माइनस एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो ही आएगा। उसके बाद टू का क्यूब, तो एट अपॉन एट माइनस जीरो, यानी यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कितना आ गया, वन आ गया, समझे। देखो मैंने वही बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि वन ही आएगा, है ना, समझ में आया। अब अगला देखते हैं, फोर्थ वन, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज बिटवीन वन एंड टू। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखो हमको ना प्रोबेबिलिटी बताना है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का बताना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, ये हमको नहीं बताना है, ठीक है, इसके पीछे का नहीं बताना है, बस इतना ही बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो एफ ऑफ टू में से माइनस करोगे किसको, हमको ये बताना है ना। तो एफ ऑफ टू में से जब हम एफ ऑफ जीरो को माइनस कर देंगे, एफ ऑफ जीरो नहीं, एफ ऑफ वन, ठीक है, जब हम एफ ऑफ वन को माइनस करेंगे तो हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, मिलेंगी कि नहीं। एफ ऑफ वन का मतलब क्या, ये इसके पीछे का, ठीक है, इसके पीछे के वैल्यूज, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ टू मतलब क्या, ये पूरा यहां से लेकर के पूरा यहां तक का वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरे में से हम क्या करेंगे, इतने को माइनस कर देंगे, समझा। एफ ऑफ वन मतलब क्या, यहां से लेकर के यहां तक, जीरो से लेकर के यहां तक का वैल्यू है ये, और हमको बस इतना ही बताना है, पूरा नहीं बताना है। तो एफ ऑफ टू मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो वैल्यू है उसमें से हम घटा देंगे इतने को, तो हमको ये पार्ट मिल जाएगा, क्लियर है ना, समझ आ रहा है मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ। तो अब आप लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ टू मतलब वन आया था ना, देखो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। एफ ऑफ वन मतलब क्या, अभी एक्स के प्लेस पे वन रखना है, तो क्या आएगा, वन का क्यूब अपॉन एट। अब यहाँ पे टू का क्यूब करेंगे तो एट अपॉन एट माइनस वन अपॉन एट। अभी एट माइनस वन करेंगे तो सेवन अपॉन एट, डिनोमीटर सेम है ना, तो एक ही बार लिखने का, ओके। तो इसका आंसर क्या आया, यहाँ पे लिख देते हैं, दे आर फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज बिटवीन वन एंड टू व्हिच इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आएंगी। ये जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया ना, ऐसे समझने की कोशिश करो तभी आप समझ पाओगे, ओके। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें ये फंक्शन दिया गया है जो कि पीडीएफ है, राइट। तो हमको सी बताना है, यानी ये जो सी है ना इसका वैल्यू बताना है, फिर ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस ऑफ एक्स हमको बताना है, और फिर लास्ट में देखो एफ ऑफ एक्स भी बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सी निकालेंगे, सी का वैल्यू, ठीक है।
तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, पीडीएफ है, यहाँ पे लिखते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ, ठीक है। अब अगर ये पीडीएफ है तो फिर इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, तो वन के इक्वल होगा, लिखते हैं हम यहाँ पे, और लिमिट क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। अब सी क्या है बताइए, कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 2 3, यहाँ पे क्या आया, 1 अपॉन x dx विच इज इक्वल टू 1। अभी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, बताइए, लॉग x। देखो जैसे लॉग x रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। उसी तरीके से अगर 1 अपॉन x रहता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग x, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी तो बाहर रहेगा, हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा, फिर लिमिट 1 2 3 विच इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, तो वैल्यूज रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और यहाँ पे आएगा log 3 - log 1 विच इज इक्वल टू 1। अभी log 1 का वैल्यू क्या होता है पता है आपको, पता होगा, आप भूल गए होंगे, तो log 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ मैं लिखती हूँ सी, और इसमें ब्रैकेट में log 3 - 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे log 3 है तो log 3 को मैं उधर ले लेती हूँ। कैसे हो रहा है ये, मैं आपको एक और स्टेप करके समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे सी है तो सी लिखा log 3 - 0, तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 विच इज इक्वल टू 1। अब देखिए log 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन log 3। लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन log 3, समझे। तो सी का तो वैल्यू हमने निकाल लिया, देखिए पहला आंसर हमको मिल चुका है। अब हमको ई ऑफ एक्स बताना है, तो ई ऑफ एक्स कैसे आएगा, देखो पहले वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या समझाती हूँ मैं। देखो आपको याद होगा पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखिए ई ऑफ एक्स क्या होता था, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, यही होता था ना फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, राइट। तो यहाँ पर भी वही होगा, देखो यहाँ पर हमको ई ऑफ एक्स बताना है ना, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी समीशन की जगह पे हम लोग कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन लगाते हैं, राइट। और ये जो एक्स है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे पी आई, मतलब ये फंक्शन लिख दीजिए सी अपॉन एक्स, समझे कि नहीं, समझे ना, वही है, कहाँ अलग है, समीशन की जगह पे इंटीग्रेशन, फिर एक्स के जगह पे एक्स रख दिया, और फिर पी के जगह पे ये जो फंक्शन है उसको उठा करके रख दिया, बस वेरी सिंपल। यहाँ पे लिख देते हैं dx, और लिमिट क्या आएगा, तो ये दिया है ना 1 2 3, समझे। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ध्यान से x कैंसिल हो जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम, किसको करेंगे, कुछ बचा ही नहीं है, तो कुछ नहीं बचा है मतलब 1 तो है, कुछ नहीं है मतलब 1 तो है ना, तो 1 को ही इंटीग्रेट करेंगे। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो c, फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लिखेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे बताइए, वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर देखो ना 1 अपॉन log 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन log 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखते हैं 3 फिर -1, तो अब हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि ई ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 3 - 1 करेंगे तो 2, 2 1 से 2, यानी 2 अपॉन log 3, तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि ई ऑफ एक्स, समझे। तो देखो इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया है, ई ऑफ एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया है, अब हमको क्या बताना है, तो वेरियंस ऑफ एक्स बताना है। तो वेरियंस ऑफ एक्स हम कैसे बताएंगे, आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज में हम वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, देखो उसका फॉर्मूला होता था वेरिएंस ऑफ एक्स का ई, फिर यहाँ पे आता था ब्रैकेट में एक्स और इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस करते थे, किसको माइनस करते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू और फिर इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। अब सुनिए, अगर हमको वेरियंस चाहिए तो हमारे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो है, देखो ये है,
लेकिन ये नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे आएगा सुनो, कैसे आएगा मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ई एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 2 3, फंक्शन लिखेंगे सी अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, समझे, ऐसे करना है। देखो यहाँ पे बस एक्स था तो मैंने एक्स लिखा था, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखना है, ओके। यहाँ पे एक्स डी एक्स, अब क्या होगा, सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वो आ जाएगा बाहर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये वाले एक्स से एक एक्स कट जाएगा, मतलब यहाँ पे बस एक एक्स बचेगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने सी, फिर ब्रैकेट में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, उसके बाद 1 2 3 इसका लिमिट, राइट। अभी ये जो आपका सी है इसका वैल्यू कितना आया था, 1 अपॉन log 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बता दीजिए, 1 अपॉन log 3 लिख देंगे। उसके बाद ये 2 को भी बाहर ले लेते हैं, ये जो 2 है इसको भी बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन log 3, 2 को ले लिया बाहर, ओके। तो अभी ब्रैकेट में क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है, इसके प्लेस पे 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन log 3 इंटू 1 अपॉन 2, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा क्या, 1 अपॉन log 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 1 किया तो 8 आता है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो तो 2 1 2 2 4 8, यानी देखो हमको इसका वैल्यू क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐसे करके, देयर फॉर ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 4 1 4 अपॉन log 3, समझे। तो ये हो गया हमारा e ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये भी है, ये भी है, अब हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या था, सेम e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आया है, 4 अपॉन log 3, इसका वैल्यू क्या है, 2 अपॉन log 3 और इसका स्क्वायर है ना। अब क्या करना है, आगे इसको करते हैं, तो चलो मैं नीचे ही कर देती हूँ, फिर ये जो रहेगा ना ये हम लोग बाद में इसको रफ करने के बाद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 अपॉन log 3, राइट, माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, log 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, log 3 का स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, डिनोमेटर हमको अगर सेम करना है, डिनोमेटर को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप ही बताइए। इसमें हमको log 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हम log 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू log 3 और यहाँ पर इंटू log 3। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 log 3 अपॉन log 3 इंटू log 3, दो बार है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर माइनस क्या है, 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर, ठीक है, समझे ना। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखोगे, और ऊपर जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है उसको, मतलब दोनों को एक साथ ले लोगे, जैसे माइनस है तो 4 log 3 - 4 एक साथ करके आप लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 4 log 3 - 4 अपॉन, एक ही बार लिखेंगे, log 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, तो देखो 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 को ले लेंगे कॉमन, और फिर जो आंसर आएगा वही हमारा वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एकदम ध्यान से देखो, 4 को हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, log 3 और यहाँ पर -1, क्योंकि 4 तो बाहर जा चुका है ना। उसके बाद log, ये l है, log 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका वेरिएंस ऑफ x, समझे ना कैसे किया हमने। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल लिया है, इसका वैल्यू देखो मैं इस तरीके से ऐसे ब्रैकेट में कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ऐसे मैंने बॉक्स बना दिया है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स तो हमने निकाल लिया, अब हमको एफ ऑफ एक्स बताना है। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है,
सीडीएफ जो हम 8 और 9 में कर रहे थे, ठीक है। तो पहले आप इतना लिखो, फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा f ऑफ x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x, उसके बाद इंटीग्रेशन लिमिट इसका क्या आएगा, अपर लिमिट तो x होगा और लोअर लिमिट क्या है इसमें देखो 1, फंक्शन क्या है आपका c अपॉन x dx, ठीक है। c क्या है, कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लीजिए, फिर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो log x होगा, लिमिट लिख देते हैं 1 to x, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं तो c का वैल्यू कितना आया था, 1 अपॉन log 3 आया था, यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन log 3, फिर ब्रैकेट में लिखिए log x के प्लेस पे x पुट करेंगे तो वही रहेगा log x माइनस log 1, x के प्लेस पे 1 भी तो पुट करना है ना। अब 1 अपॉन log 3 और यहाँ पे देखो log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे क्या आया log x, ठीक है log x ही आएगा ना, log x माइनस 0 यही तो आएगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ओके। और कहीं पे हमने ऐसा लिखा था क्या log 1 इज इक्वल टू 0, कहीं पे अगर आप लिखते हो ना कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, इस तरीके से आपको रीजन भी लिखना चाहिए ताकि समझ में आए कि आपने कहाँ से लिखा है, ऐसे डायरेक्टली कहाँ से लिख दिया बताना तो पड़ेगा ना। तो पीछे अगर मैंने छोड़ दिया होगा, ये नहीं लिखा होगा, तो आप लिख लेना, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो log x अपॉन log 3, ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका f ऑफ x। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना लिखोगे फिर भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। हमने देखा था ना एक फॉर्मूला लॉगरिथम में बहुत पहले डिफरेंशिएशन में, ठीक है, अभी तक तो आप भूल भी गए होंगे लेकिन फिर भी याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कौन सा था फॉर्मूला मैं आपको समझाती हूँ, इस तरीके से था ना, समझिए log m है अपॉन log n है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, log m टू द बेस n, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा log x अपॉन log 3 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x और इसका बेस 3, इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं f ऑफ x, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, समझे। तो अब आप करोगे क्या, क्या ऐसे ही लिख करके छोड़ दोगे, नहीं, आपको लास्ट में आंसर भी तो लिखना चाहिए। अब कौन सा आंसर है ना, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा आंसर, सब कुछ तो निकाल लिया, अब क्या बचा है, कुछ बचा नहीं है। लास्ट में आप कैसे हर बार लिखते हो आंसर, यहाँ पे आंसर करो, ठीक है, ए एन एस, ठीक है, सी का वैल्यू क्या आया 1 अपॉन log 3, फिर क्या था एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ई ऑफ एक्स क्या आया 2 अपॉन log 3, उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स था, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया, कितना आया, हाँ थोड़ा बड़ा है तो इसमें नहीं हटने वाला, लेकिन फिर भी मैं हटा दूंगी, टेंशन मत लो, हाँ कितना आया है 4 log 3 - 1 upon log 3 का स्क्वायर, और लास्ट क्या था f ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिखिए f ऑफ एक्स, कैपिटल f ऑफ x कितना आया log x टू द बेस 3, समझे। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में आंसर भी लिखना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.3, ओके। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।